चलो दोस्तों, मैं आपको एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है फेमा। दोस्तों आज इस चैप्टर के मैंने शुरुआत करना है। दोस्तों भारत देश में फेमा जरूरी है बिकॉज हम लोग वो चाहते हैं। ए गाइस कम ऑन यार, चलो सब बैठ जाओ, मुझे पढ़ाने का, मुझे बहुत पढ़ाने का है। चलो गाइस पढ़ा दो, स्टार्ट करूं। आपको किसी को पता है फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? मैं कुछ डेटा देख रहा था बट आई थिंक आई एम नॉट एबल टू गेट द डेटा। ओके दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं। भारत देश में, सभी लोग ध्यान दें, भारत देश में फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है क्या? नहीं। वैसे अगर आपको भारत देश में कुछ बाय सेल करना, एक्चुअली डोंट रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज, बट आपको फॉरेन रिजर्व की बहुत जरूरत पड़ती है इफ यू वॉन्ट टू शो एवरीवन दैट यू आर रिच। भारत देश को समृद्ध बताने के लिए आपके कंट्री में, यानी कि भारत देश में, हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज बहुत होना जरूरी है। सो लॉ कैसा बनाएंगे? ये फेमा ऐसा बनाया है कि जिससे हमारे घर पे लक्ष्मी आए जाए नहीं। फॉरेन एक्सचेंज के दो एक्ट, दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो भारत देश का पैसा बाहर न जाए और दूसरों वालों की करेंसी हमारे घर पे आ जाए। फॉरेन एक्सचेंज के दो काम है, देखो हमारी किसी और के पास न जाए पर दूसरे वाले की हमारे पास आ जाए। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनना, मैंने जो कहा, जो मेरी वाली मेरे पास रहे और किसी और की भी मेरे पास आ जाए। सर ये कैसा छिछोरा एक्ट है? ये एक्ट की नजरें दूसरों के ऊपर भी है। ये एक्ट बोलता है कि मेरी वाली मेरे पास रहे नंबर वन और दूसरे वाली भी मेरे हो जाए। यानी भारत देश का जो INR है वो INR भारत में ही रहे और दूसरे के डॉलर्स वो भी इंडिया में आ जाए। फॉरेन एक्सचेंज हैज गॉट टू ऑब्जेक्टिव्स। एक, मेरा जो INR है वो इंडिया के बाहर ना जाए। दूसरी बात, मैं इतना एक्सपोर्ट करूं इंडिया से बाहर कि मुझे बहुत सारे डॉलर्स मिले, बहुत सारा USD मिले, बहुत सारे यूरोज मिले, और मैं इंपोर्ट इतना कम से कम करूं। बोलो कितना कम करूं? बहुत कम करूं, ताकि INR इंडिया से बाहर बहुत कम जाए। देखो बच्चों, आपको समझना है फेमा आपके सिलेबस में एक तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, आपके जीवन में इसका जीरो ज्ञान है। अब मैं जो बता रहा हूं अंडरस्टैंड, बहुत इसको स्लोली हमें बिल्डअप करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने वाला ये एक्ट है, आपने इसका ईयर देखा होगा, इट वॉज देयर इन 1999। सर इसके पहले क्या था? इसके पहले फेरा था, फेरा FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, पर फेरा में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके चलते फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक्ट बहुत वैसे इनडेप्थ है पर आपके सिलेबस में उतना इनडेप्थ नहीं दिया उन्होंने, बहुत कट शॉर्ट किया है, जस्ट टू गिव यू द ब्रॉड आइडिया अबाउट द एक्ट, वरना काफी इनडेप्थ है उसमें। बट एनीवेज आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के बाहर अगर आपको जाना है, आपको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। तो क्या आपको डॉलर मिल सकते हैं? आई रिपीट, अगर इंडिया के बाहर आपको जाना है तो आपको डॉलर चाहिए। जैसे मान लो मैं दुबई जाने वाला हूं तो मुझे दिराम लगेंगे, दिराम, और दिरम जो लगेंगे मुझे तो कैसे मिलेंगे? अब मुझे ये पैसे देना पड़ेंगे रुपीज में, और उसके बदले आई थिंक 13 रुपए का कुछ आता है, कितना 22 हो गए क्या? 22, तो 22 रुपए दूंगा तो एक दिरम मिलेगा। तो सर मतलब फिर मैं तो कितना भी पैसे, कितना भी आप इंडिया से जब उधर जाना चाहते हो तो आप कितने दिरहम लोगे, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, वो लगाए फेमा ने। फेमा बोलते हैं, आप बोलेंगे मेरे पास INR, मैं पूरा कन्वर्जन करूंगा, नहीं कर सकते आप। आपने क्या कमाया? INR। तो गवर्नमेंट की इच्छा क्या है? INR शुड ऑलवेज रिमेन इन INR, इन रुपीज में रहना चाहिए। आप बोलेंगे मैं बाहर जाके उड़ा दू क्या? उड़ा दे, औकात में कितनी औकात है वो ये चैप्टर बताएगा। क्या आप इंडिया के बाहर पैसे ले जा सकते हो क्या? पहली बात तो मत जाओ भारत। अगर आप बोलेंगे मैं इंडिया टूर, इंडिया के साथ साथ मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं, वो बोलेंगे यहां कश्मीर चले जाओ,
राजस्थान घूम लो, तो केरला घूम लो, गोवा घूम लो, जहां जाना इंडिया में, इंडिया ही वर्ल्ड जैसा है, तो मैं बाहर जाने की क्या जरूरत है? अब बोले कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मोदी जी बोले इसको कश्मीर दिखाओ, आप बोल रहे मुझे उधर जाना, बाली, बाली की बीचेस देखना, बीच, ए इसको इधर पिको, इधर इसको गोवा में भेजो, बागा बीच पे। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा जरा, भारत देश चाहता है कि आप इंडिया के अंदर ही रहे, इंडिया के बाहर आप बोल रहे मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू गो फॉर एजुकेशन और आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस एंड दैट। आप इंडिया के बाहर जा सकते हो, आपको डॉलर्स मिलेंगे, आपको करेंसी मिलेगा, बट ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट। यू कैन नॉट विथड्रॉ बहुत सारा पैसा इन डॉलर्स और इन दिरहम, आप एक औकात में ही विथड्रॉ कर सकते हैं। वो मैंने नहीं कहा, फेमा कह रहा है, वो इस चैप्टर में पढ़ना है। पर फेमा किसको एप्लीकेबल होता है, उसके लिए ये चीजें आज पता है कि इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, इसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। और ये डायग्राम है, ये सेक्सी डायग्राम आपको जो दिख रही है, मैं यहां से पढ़ाना चाहता हूं आपको। हा, ये आपको पता है, ओ सुनो ना, यहां पे लिखा है रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। मान लो एक फिरंगी चिंटी आई इंडिया में, उदयपुर में, आपको पता है उदयपुर में बहुत लोग आते हैं, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ फॉरेनर्स। कोई है राजस्थान से? आप जानते हो राजस्थान में बहुत लोग घूमने आते हैं, और आगरा में भी आते होंगे, और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पे आते होंगे, पर मैंने व्हेन आई वेंट टू उदयपुर मैंने देखा कि यहाँ पे तो कुछ फिरंगी लोग यहाँ पे आके बसने लगे। तो मैं वहां पे गया था, मेरी एक फ्रेंचाइजी वहां पे, तो उनका नाम माहेश्वरी जी था, तो आई वेंट टू हिम एंड वो मुझे उदयपुर के बारे में बता रहे थे। तो एक चिंटी और एक इंडिया के अंकल दिखे, और फिरंगी चिंटी दिखी, मैंने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोले आई तो घूमने थी इधर, पर इसको इतना अच्छा लगा इंडिया, और चिंटू भी अच्छा लग गया, तो शी हैज फाइनली सेटल्ड डाउन इन उदयपुर। मैंने कहा बेस्ट है यार, हाँ फिरंगी चिंटी इंडियन लड़का शादी करके इधर बस गई हो, व्हाट नंबर दो लड़के का नंबर क्या करोगे? सुनो जरा, अब कोई लोग है, मेरा सवाल है, अब जो वो फिरंगी लड़की इंडिया में आई है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? क्योंकि फेमा उसी को ही एप्लीकेबल होता है जो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ये होता है PROI और ये होता है PRII। तो आपको हमेशा डिसाइड करना पड़ता है PROI है या नहीं, PRI। देखो यहां पर लिखा है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। एक होता है PROI आउटसाइड इंडिया, एक होता है PRII इन इंडिया। एक आई मतलब इन होता है, एक ओ यानी कि आउट होता है। तो अगर सोचो अगर वो PRII है, PRII, तो मतलब ये फेमा आप उसके ऊपर चिपका सकते हो, उनकी बजा सकते हो अगर वो भारतीय है तो। अरे यार फिरंगी आके दो महीने, मान लो यहां पे बहुत फिरंगी लोग आते हैं इंडिया में, अभी वो वर्ल्ड कप के लिए आए सब लोग इधर, मान लो बहुत सारे आप लोग देखते हैं यहाँ पे इंडिया के बाहर के लोग जो आए वर्ल्ड कप खेलने के लिए यहाँ पे आए, तो मान लो बाबर आजम को आपने फेमा लगा दिया, और रिजवान को लगा दिया, और फेमा डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा नोटिस दे दिया उसको, बोलेगा मेरा क्या संबंध है भाई? नहीं, भारत में आएंगे तो भारत को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसके ऊपर फेमा नोटिस नहीं भेज सकता कि आप लोगों ने, आप सब PRII है, पर्सन रेसिडेंट, तो आप वेरी मच, आपने कुछ, आपको तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सर हम लोग कैसे PRII है? अब देखो बच्चों, एक लड़की है दीवानी से, मान लो एक लड़की है और वो है मान लो इमिरेट्स बोल के फ्लाइट है जो हमेशा हवा में उड़ती है लड़की, कभी इंडिया में आती है, कभी वापस दुबई जाती है, फिर दुबई से इधर आती है, वो हाँ एयर होस्टेस बेटा कोई। तो क्या होता ना, वो फ्लाइट आती है फिर रुक जाती है एक दो दिन, फिर जाती है उधर,
फिर तो 2 दिन रुकती, फिर वापस इधर आके 2 दिन रुकती, तो कभी मुंबई कभी दुबई कभी दुबई कभी मुंबई, यही चलते रहता है उसको। तो ये क्या माने इसको? वो जो उदयपुर वाली लड़की जो इधर आके सेट हो गई, वो तो पक्का पीआर आईआई हो गई अब, बिकॉज अब उसको ऐसा ट्रीट करेगा जैसे वो भारतीय फेम है, उसको अच्छा वाला नोटिस दे सकता अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो। अब ये लड़की हवा में रहती, कभी दुबई में कभी हवा में कभी मुंबई में, अब इसको क्या समझे? वो आती होटल में रहती चले जाती, फिर उधर जाके 2 दिन रहती फिर इधर आ जाती। हंसता क्यों बे? क्या बोले? जोक ना, अच्छा मैं समझा किस बारे में वो। सो अब मुझे तो ये लड़कियों को क्या बोलेगा आप? वो इंडियन है कि नहीं है? क्यों भाई, 2-2 दिन आके रहती है मुंबई में वो? हाँ, कभी कभी कुछ लोगों का स्टेटस समझ में नहीं आता। आपके स्टेटस पे तो डाउट ही नहीं है, आपका क्या स्टेटस? ए सिंगल है? क्या सिंगल में वो स्टेटस पूछ रहा हो गया? मेरा स्टेटस सिंगल है, पूछा हमने आपको। हम ये बात कर रहे हैं पीआर आईआई है क्या? पीआर आप वेरी मच आईआई हो, पर्सन रेसिडेंट इंडिया, आपको डाउट ही नहीं भाई? आप तो आप बोलते ना प्योर वेज, वैसा प्योर इंडियन हो, कोई मिलावट नहीं आपके। आप फेमस तो आपको लगेगा ही लगेगा, पर कुछ लोग वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में है, ये चिंटी हावले से दुबई मुंबई कर रही है, और कुछ लोग क्या करते हैं जॉब करने के लिए उधर चले गए, रहते हैं इंडिया में कुछ महीने उधर रहे, ये लोग कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। अच्छा ऐसे होता है कुछ कुछ लोग यहाँ पे जो जैसे फोक्सवैगन कंपनी यहाँ पे पुणे, तो उनके बहुत सारे जर्मन लोग जो है ना इंडिया में रहते हैं कुछ दिनों के लिए। अब उनको फेमा लगे ना लगे, देखो पहले फेमा के लिए आप उनके ऊपर फेमा लगा सकते हो जो पीआर आईआई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द रेसिडेंशियल स्टेटस। इसलिए पूरे चैप्टर में देखो, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज, ये 6 पेजेस आपको। और बताया क्या, ये इतना, ये जो मैंने आपके लिए चार्ट बनाया ना, ऑसम है, ये चार्ट से आपको पूरे 6 पेज कवर हो जाएंगे। ध्यान देना, सबसे पहली बात तो ये है। अब वो क्या बोल रहा है, पहले तो चेक करो कि आप पिछले साल कहां थे, वेयर यू वर स्टेइंग इन द प्रीवियस ईयर। इफ यू वर स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182, सर 182 का क्या मतलब? अरे 6 महीने इज नथिंग बट 182 डेज। अगर आप भारत में ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इफ यू वांट टू नो, सर ऐसा हो सकता है कभी कुछ कुछ साल हम लोग पीआर आईआई है और कुछ साल पीआर ओआई है? यस पॉसिबल। कभी कभी आप आईआई होते हो सर, मतलब एक साल आईआई एक साल ओआई, पॉसिबल है। कुछ कुछ लोग 3 साल के लिए दुबई में जाके जॉब करता है फिर वापस इंडिया में आ जाता है, ऐसा होता है ना, कुछ लोग कुछ साल गए फिर कुछ साल आ गए, तो उसका स्टेटस चेंज होते रहता है। तो अब देखते क्या लिखा है, ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर डिड ही रेसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन वन। पहली बात तो पहला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, क्या आप पिछले साल, स्वप्निल पाटनी, पिछले साल 6 महीने, यस मैं 6 महीने से ज्यादा इंडिया में था, आप लोग थे 6 महीने से ज्यादा इंडिया में थे? अरे सर हम यही थे, 6 महीने की बात कर रहे हो आप, पैदा हुए तब से यही मर रहे हैं, कहीं नहीं गए, गए 2-4 दिन वापस आ गए, पर है तो ही कौन नेपाल से है बेटा? आप दोनों नेपाल से, आप नेपाल से, आपका स्टेटस निकालेंगे 2 मिनट बाद बेटा। तुम्हारे लिए पहले, तुम थे क्या पिछले साल 182 डेज से ज्यादा इंडिया में? पिछले साल थे आप? फाउंडेशन इधर ही क्या आपने, कहां थे फाउंडेशन में? अच्छा गुरुकुल में थे बेटा, बहुत आगे जाएंगे आप, आप पीआर आईआई होने वाले हो, ठीक है ना। एनीवेज कभी कभी हो सकता है कोई डायरेक्टली इंटर, कोई है कोई डायरेक्टली इंटरमीडिएट में आया नेपाल से, नेपाल से मतलब दूसरे कंट्री से है, कोई नहीं मतलब आप कौन बॉर्डर से है, तू कौन से बॉर्डर से है? नेपाल बॉर्डर से। तो बोल रहा है बीच में रह गए इधर में, तुम लोग क्लियर बताओ रे। अब जो लोग ये जो दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड केस है,
पर तुम लोग का तो और मेरा स्टेटस तो बहुत क्लियर है, हम बहुत वेरी मच कैसे, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हम लोग अपना क्या चल रहा है अभी इस साल, मान लो 23 चल रहा है, 23 तो 22 में आप कहां थे, कहां थे 182 के, हम तो 365 इधर ही मर रहे थे आगे। यस, अगर पिछले, रुको जरा, पिछले साल 6 महीने से ज्यादा अर्थात 182 डेज से ज्यादा आप इंडिया में होंगे, यस लिखा है। एंड डिड ही गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी कि आपको इस साल का स्टेटस जानने के लिए 2 साल की जानकारी चाहिए। पिछले साल कहां थे, इंडिया में था 182 से ज्यादा, तो पहली कंडीशन फुलफिल। यस, अब इस साल कहां हो आप, इस साल कहां हो, क्या आप इस साल इंडिया के बाहर गए थे करंट ईयर में, डिड ही गो आउट, यस। अच्छा, तो आपका कॉम्प्लिकेशन हो गया, पिछले साल इंडिया में था, इस साल इंडिया के बाहर है। पर आप इंडिया के बाहर ऐसे गए हो, कल एक अंकल से मेरी बात हुई, ही स्टेइंग इन न्यूजीलैंड, ही स्टेइंग इन न्यूजीलैंड, तो मैंने कैसे बात की, वो है कौन, एक बंदा है जो फूड में काम करता है, एंड वी आर सर्चिंग फॉर द न्यू वेंडर फॉर द फूड, ठीक है ना। तो हम उससे बात कर रहे थे, बोलता कि हमारे जो पार्टनर है ही स्टेज इन न्यूजीलैंड। मैंने कहा तुम क्या करते हो, बोले हमारा काम है मेस चलाने का, तो गुरुकुल के लिए वॉज टॉकिंग टू हिम नेक्स्ट मंथ से। सो मैं इसीलिए तो इट्स लाइक यू नो आई स्पोक टू हिम, तो ही इज जॉइनिंग आफ्टर दिवाली, सो आई स्पोक टू हिम, तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड देन मैंने कहा आप वो बार बार बोले हमारे पार्टनर है, मतलब पार्टनर क्या, बोले न्यूजीलैंड में रहता है। बोले ऐसा क्या सर, मिस वाला इतना तुम भारी, तुम्हारे एक बंदा इंडिया में, बोले नहीं सर वो कैसा है ना, उनका एक रेस्टोरेंट है न्यूजीलैंड में, मुझे क्या बोला क्विक नाम बोला ऑकलैंड उधर ही आता है, हाँ बस बस ऑकलैंड में रहते, बोले तो बड़े दादाजी टाइप के थे वो, मतलब मैं कॉल भी कर, अभी न्यूजीलैंड में टाइम होता मैं कॉल कर सकता था, पता नहीं न्यूजीलैंड में कितने बज रहे होंगे, गिवन मिस नंबर ऑल्सो, तो आई जस्ट चेक, वो कॉल उठाते हैं क्या, शाम के 7:30 बजे, एक मिनट जस्ट चेक करता हूँ मैं उनका नंबर अगर मेरे पास में आया तो। अब आप उनका रेजिडेंशियल स्टेटस मुझे दिखाना, वो 6 महीने मेस इंडिया में चलाते और 6 महीने रेस्टोरेंट चलाते, उन्होंने कहा बड़ा नहीं है यार, उन्होंने तो रेस्टोरेंट डाली है और उधर क्या मिलता है, इंडियन फूड मिलता है। आपको पता है ऐसा होता है बहुत, हमारे इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, हम हर कंट्री को हमने 2-2, 5-5, 10-10 लाख दिए, मतलब ऐसा कोई कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड का जहां पे आपको भारतीय नहीं मिलेंगे, हमारा फैला हुआ व्यापार है, हमारा चल रहा हर जगह पे। मैं उनका नाम है हरीश अंकल, मैं कॉल कर रहा हूं उनको, आप उनका रेसिडेंशियल स्टेटस मुझे दिखा रहा, मैं उनको वीडियो कॉल करता हूं, आप बाकी कुछ मत बोलना, तो उनको समझे मैं क्लास में से बोल रहा हूँ। हरीश अंकल को मैंने कॉल किया वीडियो को, रिंगिंग तो हो रहा है, उधर क्या रात क्या दिन हो रहा है, एक मिनट मुझे देखने दो, फोन तो उठाने दो, इंडिया में रहते हैं 6 महीने न्यूजीलैंड में रहते, कितने बज रहा रात का उधर, सवेरे की शाम के, इज्जत नहीं दे रहे अपने भाई, 4 लोगों में इज्जत है, नो आंसर, मैं लिखता हूँ प्लीज कॉल करके आ गया तो ठीक बात, ठीक है ना। अब इनका स्टेटस जानना बड़ा मुश्किल है, प्रॉब्लम क्या हो गई, 6 महीने इंडिया में मेस चला था, ओके यहाँ पे एक हॉस्टल है फिरोदिया बोल के, वहाँ पे वो उनका मेस का काम है, और 6 महीने के लिए इधर काम करते हैं और 6 महीने उधर जाके रहते हैं, और वो जो आंटी जी भी वो भी रहते हैं, उनका पूरा घर उधर, भाई साहब ने 2 बंगलों खरीद लिए उधर, और बोले मैंने इंडिया से 1 रुपया नहीं लेकर गया, मैं उधर ही कमाया, उधर 2 बंगलों बना लिया मैंने, और बोलते हैं न्यूजीलैंड इतना सुंदर है, बोले हम इंडिया में ऐसे छोटे छोटे जगह पर रहते हैं, वहाँ पर तो
लोग ही कम है बे पूरे इतने भी लोग नहीं जितने ये हमारे शुक्र और शनि और पेट मिला के हो जाएगा अपना पूरा कंट्री तो। ये अपने पास तो वहां पे ऐसा 2-4 किलोमीटर में एक घर है तो बड़े बड़े घर बनेंगे ना। अपने यहां देखो तो कैसे बैठे हैं आप देखो ठीक है, कुछ लोगों को स्पेस भी नहीं मिलती ठीक से ठीक है। अब कौन सा बिजनेस है बेटा? रेस्टोरेंट का बिजनेस है ठीक है। अब क्या है ना, अब इनको फेमा नोटिस भेजना के नहीं भेजना ये बड़ा विषय है। तो क्या चेक करेंगे, जो अंकल है क्या वो पिछले साल 182 डे से ज्यादा थे? नहीं, वो 6 महीने नहीं थे, मान लो 5.5 महीने थे, 170 डेज के लिए इंडिया में थे। पर वो अभी इंडिया के बाहर कैसे गए हैं? वो ऐसे गए हैं कि वापस आने का स्कोप ही नहीं है, आएंगे ही नहीं, परमानेंटली सेटल होने का प्लान बना दिया है। यहां पे लिखा डिड ही गो आउट इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर? यस, गए हैं ना इंडिया से बाहर, गए हैं 3 पर्पजेस के लिए। अगर वो 3 पर्पज अगर यस है, उसमें से एक पर्पज हैव यू गॉन परमानेंटली आउटसाइड, वापस आने का आपका कोई चांस ही नहीं, यू हैव गॉन फॉर यू नो स्टेइंग देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब कभी कभी होता है ना, बहुत सारे इंडिया के लोग जो है ना गल्फ कंट्री में काम करने जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं और वहां पे केरला से जाते हैं देखो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे रोजगार, कोई लोग ड्राइवर के काम करने जाते, कोई टेक्निकल काम करने जाता है, तो दे गो देयर बट दे डोंट वांट टू कम बैक, मतलब दे हैव गॉन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, उनका वीजा भी लॉन्ग पीरियड का है। तो अगर ऐसा है तो मतलब उसके आने के विचार नहीं है। और पिछले साल सुनो जरा, पिछले साल वो पूरे साल यहां पे था, पर इस बार ऐसा गया है कि वापस आने का जल्दी से उसका कोई पीरियड, जो ही इज वेरी अनसर्टेन अबाउट कमिंग बैक, मतलब आने का चांस, अरे मैं अभी दुबई जा रहा हूं घूमने के लिए, तो मेरे जाने के और आने के टिकट बने हुए हैं, तो मैं आने के शोर शोर आने वाला इंडिया में वापस, तो ये सर्टेन हो गया ना। मैं अगर 6 दिन के लिए दुबई जा रहा हूं दिवाली के बाद, अगर मैं जा रहा हूं तो आप बताओ मेरा स्टेटस क्या होगा? मैं पिछले साल था क्या? हाँ था। क्या मैं इंडिया के बाहर गया? वहां जा रहा हूं। पर मैं जो इस साल जा रहा हूं ना, मैं ऐसे कोई पर्पस के लिए नहीं जा रहा हूं। कैसे पर्पस के लिए? कि मैं जाके सेटल, मेरा जाने का भी टिकट है और आने का भी है, इसका मतलब मैं वो 3 पर्पस में नहीं आ रहा हूं, इसलिए मैं PRII हूं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। पर मान लीजिए अंकल 6 महीने से ज्यादा इंडिया में थे, पर अब ऐसे गए हैं, बोलो कैसे गए हैं? कि आने का कोई मतलब, वो ही हैज गॉन देयर फॉर लाइक यू नो, वो जिंदगी भर उधर, मतलब ही हैज गॉन देयर, और मे बी हो सकता है वो ड्राइवर वाला काम कर रहे, या कोई हो सकता है कुछ और काम कर रहे होंगे, और आने का कोई, जब तक उनका मन है तब तक रहेंगे। कभी कुछ लोग होता ना, ठीक है जब तक मेरा अच्छा चल रहा है उधर मैं रहूंगा, तो ऐसे लोगों को कहेंगे कि वो PROI, तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। वो 3 पर्पस कौन से, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ध्यान से देखना 3 पर्पस कौन से कहां लिखा है 3 पर्पस? यही ना, 1, 2, 3 यस, इधर देखना। ओ सुनो, गिवन बिलो, ओके, अ पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया अदरवाइज देन फॉर एनी ऑफ द रीजन, एक तो फॉर टेकिंग एन एम्प्लॉयमेंट, कैरिंग बिजनेस और एनी अदर पर्पज इन सच सर्कमस्टेंसेस एज वुड इंडिकेट स्टे फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। देखो 3 बातें देखो, एक 3 पर्पज एक बार देख लो। आप बहुत क्रिटिकल है, मैं आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर के ऊपर CA फाइनल में था और मैं तब ही पढ़ाता था, CA फाइनल में इस चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते, एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस और एक अदर चैप्टर। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो 50% चैप्टर खत्म हो रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस पे, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या करते, केस स्टडी देंगे, बोलेंगे बताओ ये कौन है, तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है और इसमें बहुत वो कॉम्प्लिकेट करते हैं इस चीज को, क्वेश्चन में इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको समझाऊंगा, आज 20 मिनट में सब समझ में आएगा, आपके क्वेश्चन पूरे क्लियर होंगे, पर ध्यान देना। वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, कोई इंसान जो मेरे से ऐसा दूर जा रहा है जिसके वापस आने के चांस ही नहीं है, तो फिर इसको मैं अपना क्यों मानूं? फिर वो मेरे तो आउटसाइड इंडिया हो गया। जैसा मेरा भाई है, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरे बुआ के 2 लड़के हैं, एक गया US में रहने, एक गया लंदन में रहने, और मेरे बुआ की उम्र है 65 और दोनों बच्चे एट द एज ऑफ 45-50 वो इंडिया से बाहर चले गए। मतलब मेरे बुआ की जो उम्र इतनी कम होगी और इनको बच्चों को पढ़ा है,
और बच्चे पढ़ के कहाँ चले गए, एक चला गया यूएस, एक चला गया, और दो लड़के थे, दोनों के दोनों इंडिया बाहर, और वो मेरे बुआ फुफू जो है वो दोनों अकेले रहते हैं इंडिया में मगरपट्टा सिटी में, और उनके पास कोई नहीं है। कभी कभी यू फील रियली बैड अबाउट इट, क्या क्या बच्चों को पढ़ा के फायदा, आज उनका कुछ भी रहना तो वो ऐसे अपने को ही अच्छा नहीं लगता देखने को, कोई भी नहीं उनका इंडिया में, दो बच्चे बनाए इतने, एक इंजीनियर बना, एक सीए बना, सीए बन के लंदन में रहता है, एक पेपर कुछ पास किया वो सीपीए बन गया, वो सीपीए करके उधर ही रहता है, वो बोलता है मुझे बहुत पैसा मिलता है, बेस्ट है, अब क्या बोलेंगे अपन। ऐसे लोग तो पीआर ओ आई है, कैसे पीआर ओ आई, क्या पिछले साल वो 182 डेज से इंडिया में थे के ज्यादा नहीं थे, नहीं थे ना, थे ही नहीं, वो इंडिया में था नहीं, क्या वो यहां पे लिखा है, क्या इंडिया के बाहर, एक बात मान लो पिछले साल थे भी वो, पर क्या इस साल वो इंडिया के बाहर गए हैं, हाँ गए, पर किसके लिए गए इंडिया के बाहर, क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, हाँ, तो इसका मतलब कौन है। अब देखो, क्या पिछले साल 182 डेज से आते हैं, हाँ थे, क्या इस साल वो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, कितने, तीन पर्पज में से काम कर रहे हैं, क्या कौन से तीन पर्पज है, क्या इंडिया के बाहर वो एम्प्लॉयमेंट लेने गए, कि हाँ इसलिए उसको आउटसाइड गया, अब क्या वो इंडिया के बाहर गया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई उधर जॉब करने नहीं गया, एक बैंक में जॉब करता है उधर, अच्छा खासा पैसा मिलता है उसको, अनडाउटेडली इज गेटिंग मोर देन 3 crores देयर, ओके, और कब से सीए बना है बे, जब मैं सीए करने लगा तब से सीए बन चुका था, उसको देख के तो मैंने सीए किया, ऐसा घर में होता ना कोई एग्जाम्पल दूर का कोई तो है, वैसा मेरे फैमिली में एक ही था, तो वो तब से उधर है, तो इतने 20 साल से तो अच्छा खासा उसको पैसा मिलता है उधर, तो अगर मान लो जॉब करने गया तभी भी आउटसाइड इंडिया, अगर उधर जाके वो रेस्टोरेंट या बिजनेस को डाल रहा है, बहुत सारे इंडियन आपको उधर दिखेंगे। आई वॉज सो शॉक्ड व्हेन आई वॉज इन स्पेन, वो स्पेन में इतने इंडियन भरे हुए हैं, तो मैं उसको बोलता भैया अच्छा खाना खिला दो यार, ये क्या खाते लोग यहाँ पे इतना नॉन वेज, कोई थोड़ा वेज खिला दो यार भाई, बोले सब आओ जब आपको लेके जाते, ऐसा मस्त इंडियन खाना खिलाया उसने, वाह। वैसा नहीं है भूखे लोग खाना खिलाते, हम ऐसे भूखे पैकेज जैसे खा रहे थे, जो इतने दिन से खाना ही नहीं मिल रहा था, तो बहुत लोग इंडिया के उधर जाके मस्त वाला रेस्टोरेंट डाला था, एकदम प्रॉपर आपको इंडिया का मेनू कार्ड मिलेगा, आप प्रॉपर चपाती मिलेगी, सब्जी मिलेगी, दाल राइस मिलेगा, आपको ऐसा फील होगा एज इफ यू आर सिटिंग इन इंडिया। बहुत लोग पर वहां के रेट अंड शंड होते हैं, मतलब ऑब्वियसली उधर जाके उसको भी तो खर्चे निकालना है, कुछ कमा के लाएगा भी घर पे। फिर एक अंकल मिले, बोले वो इंडिया के थे, उन्होंने उधर कार परचेस की थी, और कार वो जैसा ओला चलाते ना उधर का एक ऐप है उस पे बुकिंग। तो ऐसे कोई लोग जो उधर जाके एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो या उधर जाके बिजनेस कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे समय के लिए गए कि उनका आना ना वो जॉब करने के लिए गया ना बिजनेस करने, पर गया है ऐसा कि आने का वापसी का कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल वो अंकल की वाइफ या मेरे भैया की वाइफ, ना वो जॉब करती है ना बिजनेस करती है, वो बच्चों को संभालती है, पर गई तो अनसर्टेन पीरियड के, वो जब आएगी पता नहीं कब आएगी, वो भी 15 साल से उधर ही रहती भैया के साथ, तो उसका भी स्टेटस क्या हो जाएगा, PROI, क्या समझा आपको। तो आप बताओ क्या क्या होना चाहिए, पहली बात क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, प्रीवियस ईयर, ओके, 182 डेज से मोर देन, ओके, अगर यस और नो, बड़ा दो बातें होंगी, अगर वो पिछले साल में 182 से ज्यादा मेरा भाई रहता, हाँ रह रहा था, आप क्या बोलेंगे, क्या वो इंडिया में, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, क्या अभी करंट ईयर में, यस बोलने के बाद में और एक सवाल पूछे, क्या सवाल पूछेंगे कि आप बताओ करंट ईयर में, करंट ईयर में तीन काम करने गया हो, एक सो करंट ईयर में आउटसाइड इंडिया गया, हाँ गया ना मेरा भाई, इंडिया छोड़कर गया, क्या करने गया, या फिर क्या करने गया, या फिर मेरी भाभी क्या करने गई, ना दोनों भी करने नहीं गई, वो तो भैया को सिर्फ खाना खिलाती है, बच्चों को संभालती है, अनसर्टेन पीरियड के लिए गई है, तो ये भी एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए यस, और इसके लिए यस, और इसके लिए यस, बराबर है भाई, तीनों के तीनों यस कैसे आएंगे, धंधा भी करता हूं, जॉब भी करता हूं, हाउस वाइफ भी, ऐसा नहीं होगा ना, अरे यार तीनों में से एक करने गया ना, पर तीनों में से एक भी करने गया हूं तो बोला आप क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे तुम PROI हो, अब तुम, हम आउटसाइड इंडिया, हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बिकॉज तुम देश को छोड़, तुम वतन को छोड़ के चले गए हो, मेरे जैसे लोग कल्चर के दुबई में 6 दिन के लिए गए, आप मुझे PROI नहीं बोलेंगे, ना मैं जॉब करने जा रहा हूं, ना मैं धंधा करने जा रहा हूं, ना मैं, मेरे तो आने की टिकट भी बुक है, तो मैं सर्टेन पीरियड के लिए बाहर जा रहा हूं,
इसका मतलब मैं, बोलो यार कम ऑन, तो मैं पी आर आई आई हो जाऊंगा। अगर यहां पे एस के बदले अगर नो आ गया तो क्या हो जाएगा, हाँ बेस्ट है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं यार, ध्यान से देखना, बहुत क्रिटिकल चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पहली बार आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ। मैं आपको सीए वाला का क्वेश्चन बैंक कराऊंगा ना, तो आपको क्या इसके ऊपर कितने क्वेश्चन पूछते हैं लोग, बिकॉज ये क्रिटिकल है थोड़ा सा। अब एम्प्लॉयमेंट करने का यस नो, यस बोला तो क्या, पी आर ओ आई, बेस्ट है। क्या बिजनेस करने गए भैया बाहर, तो फिर आप हमारे रहे नहीं, जो मेरी थी अब वो किसी और की हो गई है। पिछले साल तक मेरी थी, इस साल ऐसे गई है वापस आने का, तो फिर उसको आई क्यों बोलो, उसको ओ बोलो ना, वो आई यानी कि इन नहीं है, ओ यानी कि आउट हो चुकी है। ओके, तो अगर वो बिजनेस करने नहीं गई है मेरा भाई, अगर बिजनेस करने गया तो ओ आई, और अगर बिजनेस करने नहीं गया पी आर आई आई, ओके, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, समझ आ रहा है क्या, अरे बोल दो ना। और अगर वो अनसर्टेन पीरियड के लिए गया तो वेरी मच पी आर ओ आई, और अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं गया तो, ये तो क्लियर हो गया आपको लिख के। अब देखते हैं वो पिछले साल, अब यहां पे देखो दो चीजें हैं, प्रीवियस ईयर में वन, देखो यहां पे हम लोग चार्ट में यहां से जा रहे थे, बराबर है अभी तक, क्लियर है अभी तक, ये वाला एरिया देख लिया हमने थ्री पर्पज वाला, और ये नो वाला भी देख लिया, इज इट ओके, ये अभी तक इतना चार्ट खत्म हो गया। पर मान लो कोई इंसान इस साल करंट ईयर में, करंट ईयर में वो कहीं गया ही नहीं, वो इंडिया में, हमारा स्टेटस भी यही है तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, करंट ईयर में आउटसाइड इंडिया गए थे क्या, मैं इसको भी थोड़ा सा आपके लिए और व्यवस्थित कर देता हूं। इधर देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बहुत अंदर हूं इधर, करंट ईयर में आप गए थे इंडिया के बाहर, और कुछ लोग बोलेंगे मैं इंडिया के बाहर गया नहीं था, तो क्या बोलेंगे, मैं पिछले साल भी इंडिया में ही था, अरे मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है बाहर जाने की, क्या बात कर, कितने लोगों का पासपोर्ट नहीं है, बेस्ट है, बहुत अच्छी जगह है आपकी, आप इस कैटेगरी के लोग पिछले साल इंडिया में थे क्या, हाँ थे, इधर इंडिया में ही है इस साल भी, अरे इंडिया में क्या शुक्रवार पेट में पड़े आप लोग यहीं, तो इसका मतलब आपका स्टेटस बहुत क्लियर है, ये आप हो। पर्सन मेरे जैसा अभी थोड़ा सा डाउटफुल है, गलती से एक आधे दो फॉरेन ट्रिप हो गई, या आके कुछ लोग यहाँ पे कुछ के रिलेटिव्स, मम्मी पापा दुबई रहते हैं, ऐसा कोई आप कहाँ रहते हैं बेटा, दुबई में रहते हैं, कौन, अच्छा कोई कुछ समय डरते, कुछ लोग हैं जिनके आपकी सिस्टर रहते हैं उधर, चाचा रहते हैं, बुआ का बेटा रहता है, मतलब कई लोग हैं, आपके कौन रहते भाई, अंकल रहते इधर, कजन सिस्टर रहते हैं, ओके, इधर मामा रहते हैं, उधर मासी, किसकी मॉम डैड रहते हैं, एकदम मॉम डैड नहीं रहते पर ऐसे रहते हैं, कोई कभी ना कभी जा सकते हैं। सुनो इधर जाए, सुनो चुपचाप, आप जैसे लोग जिनका पासपोर्ट भी नहीं बना है वो इस कैटेगरी में के, पिछले साल 182 डेज से ज्यादा इंडिया में थे क्या, हाँ थे, पर करंट ईयर में इंडिया के बाहर गए क्या, नहीं गए, तो आपका तो डाउट ही नहीं, आप तो वेरी मच इंडियन हो, तो आप वो पी आर यानी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये लोग, आप दूसरी बात, आप इंडिया के, सुनो मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं, प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा आप इंडिया में नहीं थे, ऐसे कौन होंगे इसमें से कोई है, पिछले साल 182 डेज से आप ज्यादा इंडिया के अंदर नहीं थे, नहीं सर हम लोग सब इंडिया में ही थे 182 से, हमने कहीं देखा नहीं, पर ऐसे लोग होते हैं जो फिरंगी कोई चिंटी होगी, एग्जाम्पल सनी लियोन है, सनी लियोन का स्टेटस क्या, आतिफ असलम, बाबर आजम, ये सब जो लोग हैं ये कोई भी इंडिया के नहीं है, आपने बहुत सारे फिरंगी देखे होंगे जो इंडिया में के रहते हैं, और एक दो एक्टर्स बता जो इंडिया के बाहर, जैकलिन फर्नांडिस फ्रॉम श्रीलंका, और कौन, नोरा कहां की है, ए स्वारगेट की है, नोरा फतेह अली स्वारगेट की है,
दोस्तों कैटरीना कैफ कहाँ की है? अच्छा बाहर की है। टॉपिक को सब पता है। पिछले साल सुनो जरा, जैकलिन फर्नांडिस या फिर आप मान लीजिए वो सनी लियोन है, ये दोनों क्या, दोनों जिस समय वो आयोगे, जिस मान लो 2002 में आयोगे, जब भी आयोगे, उसके पिछले साल में ये लोग इंडिया में थे क्या? नहीं थे। यानी कि 182 से ज्यादा इंडिया में नहीं थे, पर अब इंडिया में आए हैं, करंटली स्टेइंग इन व्हाट? यस और नो? इसके भी दो होंगे। पिछले साल भी इंडिया में नहीं थी, इस साल भी इंडिया में नहीं है, और फेम हाउस को नोटिस भेज रहा है। क्या संबंध तो होला है? मैं इंडिया में था, नहीं था, अब इंडिया में हूं, नोटिस किस बात की भाई? फॉर एग्जाम्पल सुनो जरा, एक सिंगर है बहुत पॉपुलर जिसका नाम है एनरी के सुना होगा, ब्रायन एडम्स सुना होगा, अरे कोई तो इंग्लिश वाला जो बंदा है, अभी कौन आया था वो बॉम्बे में बहुत फेमस आया था, कोई तो जस्टिन बीबर ले लो, ये लोग आते हैं इंडिया में, तो क्या वो इस साल इंडिया में आके रह रहे हैं? हाँ, जस्टिन बीबर इंडिया में आया था क्या? वो एनरी के आया था? यस। और जो आया ही नहीं, तो जो आया था कुछ दिनों के लिए, वो तभी कम से कम एटलीस्ट वी शुड टॉक अबाउट इट। अब जो आया ही नहीं था, एक दिन भी इंडिया में नहीं आया, इनका क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? ना कभी था, ना कभी इंडिया में आया है, तो वेरी मच प्यार। पर अगर वो इंडिया में आया है, और इंडिया में आया इस साल, वो किस काम के लिए आया? किस काम के लिए? एक, क्या वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है? यानी कि ये उसके अपने स्वदेश को छोड़ के इंडिया में आने का उसने मन बना लिया, वो इंडिया में काम कर रहा है। सर ऐसे कुछ लोग होते क्या इंडिया में? गोवा में जाओगे आप, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ फॉरेनर्स वर्किंग इन गोवा। आप बोलोगे ये तो कोई गोवा से था ना आपकी क्लास में? ए जरा माइक दे बेटा चिंटू, उसके पास उसको कैमरा में भी कवर कर, बेटा खड़े हो जाओ, आ जाए इधर हवेली में। क्या बोल रहे, क्या इनको बताइए कि सच में गोवा में ऐसा आपने कभी देखा किसी रेस्टोरेंट में कोई मान लो कोई रशियन आके काम कर रहा है? रशियन तो नहीं देखा, पर फॉरेन होते हैं बहुत सारे होते हैं। एक मिनट थोड़ा सा और अंदर पूछते हैं, क्या जनरली काम करते हैं लोग गोवा में आके? व्हाट इज देयर बिजनेस? मैंने वो एक आंटी होता था टैटू बना रहे थे। हाँ मतलब वो नॉर्मली मैनेजमेंट के काम करते हैं, मतलब जो फॉरेन से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, मतलब फॉरेन कल्चर से वो काम करते हैं गोवा में आके। हाँ और क्या, ये मतलब बहुत सालों से गोवा में रहते हैं? हाँ मतलब कुछ लोग तो बहुत साल पहले आते हैं, कुछ लोग अभी आते हैं। वैसे गोवा का कनेक्शन कौन से कंट्री से आता है जिनको वीजा मिल जाता है? कौन सी कंट्री है? पोर्चुगल। हाँ पोर्चुगल। क्या है वो पोर्चुगल, बताओ इनको क्या संबंध है पोर्चुगल और गोवा का? तो मतलब पहले पोर्चुगल राज करते थे गोवा में, सो मतलब कुछ लोग मतलब ऑलमोस्ट चले गए थे, तो कुछ लोग जो रहे थे वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ मतलब यही रह रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उनका तो वो वेरी मच प्यार आया है। हाँ अब वो बोलेगा पिछले साल में यही था, इस साल यही है, मेरे को इंडिया अच्छा लगता तो मैं दिखता फिरंगी हूं, पर है तो पीआर आया ही। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपको देखेंगे बगायदा, आपको अगर फाइव स्टार रेस्टोरेंट में जाओगे आप, तो आपको कुछ लोग आपको फिरंगी आपको वेटर नजर आएंगे, एंड दे नो रियली गुड, बिकॉज उनका कंपनी का हायरिंग ही होता है कि अगर आपको हमारे होटल में, तो आपको ये स्पेनिश लैंग्वेज आना चाहिए, जैपनीज आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारे क्लाइंट जैपनीज आते हैं, तो हमारे पास बोल, तो उनको अपना अपनापन फील होना चाहिए कि तुम्हारे कंट्री का ही बंदा यहाँ पे। तो अब ये बंदा गोवा में आके काम कर रहा है, पिछले साल था क्या वो इंडिया में? नहीं था, पर के इस साल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट करने आया? हाँ आया। इसका मतलब इसका जाने का प्लान, इसको लगा दो अपने वाली, अगर अपने वाले को छोड़ के जा रही है, भले ही पिछले साल अपने साथ थी, पर इस साल तो किसी और की हो गई, तो वो हमसे चलेगी, वो जुदा हो गई, तो वो पीआर ओ आई, पर ये किसी और की थी पिछले साल, पर अपने पास आ गई ना, तो अपनी हो गई, तो पीआर आए। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इस साल तुम किसके साथ? हाँ सही पकड़े, करंट स्टेटस क्या है?
तुम फिरंगी हो कोई बात नहीं, तुम फिरंगी हो कोई बात, आज मेरे साथ हो ना, आज भारत में हो ना, वो भी जॉब करने के लिए, या फिर इंडिया में आके कुछ लोग धंधा करते हैं। नहीं नहीं, दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ प्लेसेस, यू नो, द रेस्टोरेंट चलाते हैं कुछ लोग, ये मैंने देखा तो गोवा में कुछ लोग टी शर्ट वगैरह बेचने का भी, एक फिरंगी को मैंने देखा था, ओ वहां पे बेस्ट वाला काम है, बिल्कुल आप कपड़ों की दुकान लगा के बैठे हो, बिकॉज दे वांट टू सेटल हियर। तो स्पा, जरा बताओ बता स्पा के बारे में, क्या स्पा क्या होता है? मतलब जनरली मसाज करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, मसाज करते हैं। और थोड़ा विस्तार, क्या सिर्फ ऐसा आपने क्या, हम भी तो मसाज को मसाज ही समझ रहे थे। सो वैसा मसाज, वैसा मतलब क्या नहीं, वैसा क्या नहीं होता, मतलब वैसा वाला मसाज नहीं होता, थोड़ा अलग टाइप का होता। मतलब क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये बच्चे की देखो कैसा पूछ रहे, देखते सर इनको समझना है क्या होता है उस मसाज में और क्या नहीं होता। सर डिटेल में नहीं पता, देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली मसाज करने वाले, मसाज के लिए एक कंट्री फेमस आप सभी जानते हैं, थाईलैंड इज, तो इसलिए वहां पे गोवा में जाओ तो आपको थाई मसाज दिखेगा बहुत, उसका नाम ही थाई मसाज, THAI मसाज, ऐसे बहुत सारे थाई मसाज के नाम से बहुत सारे लोगों ने ब्रांड को करके अंदर एक्चुअली डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ओके, बिकॉज दिस गाइज आर नोन फॉर दैट, ओके। तो अगर ये इंडिया में आके धंधा करे, भले पिछले साल इंडिया में, इस साल मसाज करने हेतु इंडिया में आ गए, पहले किसके पास थी उससे मतलब नहीं, इस बार अपने पास है ना। या फिर मान लीजिए उदयपुर में जो आंटी आई है ना, वो बिजनेस करती ना एम्प्लॉयमेंट करती, वो शादीशुदा एक विवाहित महिला है, विवाहित रशियन महिला है, जिसने शादी की है उदयपुर के एक चिंटू से, क्या बोलेंगे बेटा उसको? बेटा अगर कोई अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया में आ गया, वापस जाने का उसका कोई इरादा नहीं है, NRI है, सॉरी PR है, और एक बार बताओ इसका उल्टा बताएंगे, अगर मान लीजिए वो एम्प्लॉयमेंट करने नहीं आई इंडिया में, वो सिर्फ दो चार महीने के लिए मजे लेने, और एक भाई हम लोग गए थे, किसको बोलना मत, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है ये बात से अपने विषय, तो हम लोग गोवा में गए थे और वी ऑल वर बॉयज थे ओनली, ठीक है, बॉयज गए थे, तो वी स्टेड देयर फॉर लाइक 4-5 डेज, ओके, तो हमने सो वी वेंट टू थलासा, तो थलासा में क्या होता है, बहुत सारा क्राउड फिरंगी आता है मतलब वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारी जो चिंटिया थी वो डांस कर रही थी, तो ऑन ऑल गर्ल्स, उनके साथ में कोई भी लड़का नहीं था, तो मेरा दोस्त बोला अरे ये लड़कियां कैसे आ गई, बोले अब जब बॉयज बॉयज ट्रिप जाते हैं ना तो उनको चूल होती है बहुत, अभी चूल है तो है ठीक है ना, कैसे आ जाते रहे लोग इधर से, अरे यार सही है, तो दो बॉयज क्या डिस्कशन करेंगे, सात लड़कियां फिरंगी दिख रही, अकेले डांस कर रही, वो भी टेबल के ऊपर, तो क्या बोलेंगे आप उनके, बढ़िया है क्या लाइफ है इनकी, वो नहीं थे इसीलिए देख रहे थे ना, वो होते तो कैसे देखेंगे, तो देखे और तो फिर बोलता है यार अच्छा है ये तो कम से, मैंने बोले लेट्स टॉक, मतलब क्यों क्या बात करेंगे, नहीं मतलब पूछना चाहिए भाई, इतने दूर से इंडिया में आए तो मेहमान है, जानेंगे कौन है कहाँ से है, बोले नॉलेज तो ले सकते हैं, तो देन वी वेंट एंड वी स्पोक टू देम, सो मतलब मी एंड माई फ्रेंड, बोले तू बात करता तू बात कर ले, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैंने देखिए चलते की बात करते हैं, तब सात लड़कियों से थोड़ी एक साथ बात करेंगे, सात लड़कियों से थोड़ा इतना प्रेशर बन जाएगा ना, एक को थोड़ा सा जो अलग आइसोलेट खड़ी थी उसको बाजू में ले आया, ठीक है, तो उससे बात किया, एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग, कि उसको पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो शी सेड कि आई एम एक्चुअली शी वाज फ्रॉम रशिया, ओके, अरे हर रशियन बेकार है, तुम थोड़ा सा रशियन पता नहीं क्यों इतना बदनाम क्यों, बट एक्चुअली और देन आई वाज सो मतलब उनके बाद में जब उनसे बात की तो शी आल्सो लाइक कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं, शी वांटेड टू नो मोर अबाउट अस, पूरा सुनो तुम, एंड वाहियत एंड मत करना, मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, तो फिर बात बात की है, ऐसा किए हैं, दो मिनट बता रहा मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, मैं बता रहा था वो उसका स्टेटस PROI होने वाला है, क्योंकि वो इंडिया में ना एम्प्लॉयमेंट करने आई है,
बता रहा हूं बता रहा, एक मिनट मेरा कॉन्सेप्ट. ना वो बिजनेस करने इंडिया में आई है ना अनसेटल, वो आकर दे आर कम हियर ओनली फॉर अ मंथ. पता नहीं गोवा में लोग एक एक महीना आके स्टे कर लेते हैं और बोलते हैं कि वी आर जस्ट एक मतलब वी आर नॉट इवन स्टेइंग इन द होटल. वो एक अपार्टमेंट लिया था उन्होंने, वेरी चीप काइंड ऑफ, मतलब ऐसा कि उन्होंने बताया कि वी आर नॉट इवन, क्योंकि हम लोग गोवा में आते हैं और उनका एक कोई सेट ऑफ बजट रहता है, वहां पे आके वो लोग रहते हैं ज्यादा कुछ और बहुत ही कम बैगेज लेकर आते हैं. अपने इंडिया के लोग कभी जाएंगे ना दो दो तीन तीन सूटकेस भर के लेके जाएंगे, और इंडिया के लड़की को सूटकेस मतलब तीन सूटकेस तो एक लड़की को लगते हैं. वहां पे तो मैं आपको बता रहे हैं ये दे वेरी मतलब क्या बोलते हैं, एक तक कम लगेज में यहाँ पे आते हैं. एंड व्हाट शी सेड कि बोले कि वी ऑल नाइन गर्ल्स आर हियर, सात आठ नौ लड़कियां कुछ थी, और बोले कि ये देखो, और फिर देन शी हैज इंट्रोड्यूस्ड एवरीवन ये वो करके, फिर हमारे बारे में बताइए ऐसा वैसा. फिर देन दे ऑफर्ड कि व्हाई डोंट यू कम फॉर अ पार्टी टुनाइट. मुझे मालूम था तुम गलत जगह पे एंड करेंगे, मैं उसको एंडिंग तक पहुंचा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन वहां पे एक कोई तो एक नया डिस्क खुला है वहां पे, क्या नाम था उसका, बागा बीच पे एक बहुत अच्छा सा खुला है. नहीं नहीं एकदम लेटेस्ट में खुला है, ठीक है. तो वापस देवर ऑफरिंग अस की वहां पे आ जाओ, ये करो वो करो, बातें वातें करी. बट ये मैंने कहा तुम कर क्या रहे, बोले एक महीना तक पूरे विस्तार में उनको सात आठ दिन गोवा में रुकना है, दो चार दिन आगरा में रुकना है. उन्होंने पूरा प्लान राजस्थान में घूम कर आए थे. बताओ यकीन मानिए सात आठ लड़कियां सिर्फ इंडिया में घूमने के लिए एक्सप्लोर करने, कोई उनके साथ में कोई लड़का नहीं, घर वालों को कुछ नहीं. जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास ये पैसे आते कहां से, मतलब ज्यादा बड़ी लड़कियां भी नहीं तुम्हारे पास, बोले हम लोग क्या करते हैं छह महीना काम करते छह महीना एंजॉय करते, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं. यहाँ पे इंडिया में तो इंसान मर जाएगा काम करते करते. दे वर्क ओनली फॉर सिक्स मंथ्स, छह महीने काम करते हैं और छह महीने चिल करते हैं हम लोग. बोला बेस्ट है यार, मतलब पूरा ऐसे करते करते हमको पूरा वर्ल्ड देखना है, और हम लोग जहां भी जाते हैं हम लोग सारी लड़कियां साथ में जाती. मैंने कहा बेस्ट है ऐसा, मतलब अपने को सीखने जैसा है. वरना इंडियन लोग तो वी आर सो वर्कहोलिक, हम तो काम ही करते रह जाएंगे जिंदगी. एनीवेज गाइस, अभी हमारा उनका स्टेटस की बात कर रहे हैं, बट उनका स्टेटस क्या आएगा, वो लड़कियां एक महीने के लिए इंडिया मेरी वापस जा रही है. तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो सिर्फ आई है और चले जा रही है. और जो कभी आज तक इंडिया में ही नहीं आया तो PR, और आके सिर्फ कुछ समय के लिए आए, मतलब उनका ना बिजनेस करने के लिए आए, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए आए, ना कोई आंसर, उनके जाने की टिकट बुक है, यानी दे हैव कम हियर ओनली फॉर फ्यू डेज एंड दे आर गोना गो बैक. इसको बोलते हैं, इसलिए मैं यहां पे इसको क्या लिखा मैंने, ये सब जो अगर इनका नो नो होगा, अरे बोलो यार यस होगा तो, और नो होगा तो PROI. समझ आया आपको, ये ही आपको एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आप मान के लिए आ सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको लिखना है. एक बार सिर्फ रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से रिकॉल कर ले. अब मैं कुछ भी पूछूंगा आप जवाब देना. पिछले छह महीने से ज्यादा यानी कि 182 डेज से ज्यादा वो इंडिया में ही था, और आप जैसे लोग आज भी इंडिया में, करंट पीरियड में भी इंडिया में, पहले भी इंडिया में, अरे बोलो भाई, और इंडिया के बाहर कभी गए भी नहीं, तो आप PR आए. पर पिछले साल इंडिया में थे, पर इस साल इंडिया के बाहर जॉब करने चले गए. जो अपनी नहीं है तो खत्म ही हो गई, तो PR हुआ. वो इंडिया के बाहर चले गए बिजनेस करने के लिए, PR हुआ. और गया ऐसे है कि आने के पता नहीं चांस ही नहीं है, अगेन हुआ. पर इंडिया के बाहर गया सिर्फ घूमने, दस दिन जाएगा वापस आ जाएगा, दो महीने के लिए किसी कॉलेज में चला गया. बहुत लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, आप जाके दो दो महीने आपको यूनिवर्सिटी भेजती है, दो महीने के लिए जाओ वापस आ जाओ. क्या है ये PR है. कोई इंसान हमसे ऐसा बिछड़ रहा है, वापस आने का स्कोप बहुत कम बच जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो आए. पर जो गई है कुछ समय के लिए वापस आ जाएगी मेरी जिंदगी में. चलो बात करते हैं वो जो हमारे थे ही नहीं कभी. ये क्या है ना, ये यस बोलते हैं इंडियन लोग जो पिछले साल भी यहीं थे, इस साल अब ये कौन से लोग हैं, पिछले साल इंडिया में था कि नहीं, इस साल किधर काय के लिए आया. मान लो बाबर आजम का स्टेटस बताओ मुझे, पिछले साल इंडिया में था क्या, नहीं था. 182 क्या इंडिया में करंटली रह रहा है क्या, हाँ रह रहा है. क्या इंडिया में जॉब कर रहा है क्या, नहीं कर रहा. क्या इंडिया में बिजनेस कर रहा है क्या, नहीं. अनसर्टेन पीरियड के लिए वर्ल्ड कप होगा वापस चला जाएगा, तो इंडिया का वो PR आया ही है ही नहीं, वो PR. पर मान लो कोई ये जो बंदा जिसके लिए आया, ये बताओ इसका वाला एग्जांपल क्या है, कोई थाई मसाज वाली चिंटी है, पिछले साल वहां पे थी क्या, हाँ थी. इस साल क्या करना है, बिजनेस करने के लिए इंडिया में आई है, तो क्या होगा. अरे कल किसके साथ थी वो मतलब नहीं, आज मेरे साथ है ना. आज इंडिया में आकर बिजनेस कर रही है, जॉब कर रही, तो इंडियन हो गई.
तो हम लोग फेमा लगा देंगे उनको, या फिर वो आई है मान लो कोई लड़का है जो शादी करके इंडिया में, उसकी लड़की भी जो फिरंगी है, वो ना बिजनेस करती है ना एम्प्लॉयमेंट, वो किसके लिए ही है, बस उसको इंडिया में आके रह रही है ना, जॉब करती है, पर वो जाने का कोई विचार नहीं है। आपको लॉजिक समझाना, मतलब जो हमारी बन चुकी है ना इस साल, और जो हमारी इस साल, भले ही वो पिछले साल तक मेरे साथ थी, इस साल अब किसी और देश की हो गई है, पर मान लो दो चार दिन के लिए गई इंडिया के बाहर, तो मान लो हर्षद सर गए यूके के घूमने के लिए और एक महीना जाके वापस आ गए, पर वो एक महीना गया था ना सर, वो एक महीना गया उससे मतलब नहीं है क्या, तुम एम्प्लॉयमेंट के लिए गए क्या, हर्षद सर काम करने गए क्या, नहीं, बिजनेस करने गए क्या, क्या वो अनसर्टेन पीरियड के लिए गए क्या, नहीं, आना ही है उनको वापस, एक बैचेस अनाउंस करके रखिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, मेरा थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस। आप ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका तस्वीर निकालिए और घर से जरूर लिख के लाए, आपको लिखना है, कैसे करूं मैं इसका, आप ये मैं कह रहा हूं आज जो हमने पढ़ाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको जरूर लिख लेना, मे बी ड्यूरिंग द लंच ब्रेक और आज घर जाने के बाद में, मेक श्योर यू राइट दिस, अकेले में नहीं समझ में आएगा मैं बोल रहा हूं, ओके, मेक श्योर यू गाइस आर राइटिंग दिस आफ्टर माय क्लासेस ओवर, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। PRI का लॉन्ग फॉर्म क्या है, पर्सन रेसिडेंट इन, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, फिर मिलेंगे कल।